हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को भारत के भौगोलिक स्थिति और विस्तार के बारे में बताया था। इसमें अच्छी अच्छी जानकारियां आप लोगों को दी थी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वह जानकारियां अच्छी लगी होगी और साथ ही साथ आप लोगों को याद हो गया होगा। तो दोस्तों, जो चैनल में नए आया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स और ऐसी जानकारियाँ सबको मिलती रहे। पिछली वीडियोज में मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत की जो समुद्री सीमा है या समुद्र की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्यों की संख्या 9 है। यह मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें भी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि निम्न में से कौन सा राज्य का समुद्री सीमा सबसे ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चन बनता है इंडियन ज्योग्राफी से। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा गुजरात राज्य। तो आपको ध्यान रखना है कि यह जो है हमारा गुजरात राज्य और गुजरात से लेकर के तमिलनाडु होते हुए पश्चिम बंगाल तक 9 स्टेट है जिसका समुद्री सीमा से अपने सीमा साझा होती है और यह है हमारा गुजरात। तो इसी गुजरात राज्य का समुद्री सीमा सबसे ज्यादा है। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश जो कि इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर पड़ता है। तो यह मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन बनता है तो आप इसको बना सकते हैं। तो टोटल जो है, टोटल 9 राज्य है। ये मैं आप लोगों को पिछली वीडियोज में बता चुका हूँ तो आप लोग पिछली वीडियोज में जाकर के देख सकते हैं। और इसमें से समुद्री सीमा साझा करने वाले, समुद्री सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, और इसमें से सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा समुद्री सीमा बनाने वाले, नहीं नहीं वाला जो राज्य है वह है गुजरात। इसकी लंबाई अगर देखते हैं तो यह है 1663 किलोमीटर, यानी कि 1663 किलोमीटर यह समुद्र के साथ में लगा हुआ है। तो इसकी सीमा की जो लंबाई है वह है 1663 किलोमीटर। इसके बाद में आता है हमारा सेकेंड नंबर, यानी कि दूसरा जो है, दूसरा राज्य है वह है आंध्र प्रदेश, वह है आंध्र प्रदेश। तो यह पहला और दूसरा मैंने आप लोगों को बता दिया। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि लक्षद्वीप जो है वह मालदीव के साथ में अलग अलग है, यानी कि दोनों अलग अलग हैं। और लक्षद्वीप के जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह है मिनिकॉय। ये मिनिकॉय लक्षद्वीप का हिस्सा है और मालदीव अलग है। तो मिनिकॉय मालदीव से 9-8 डिग्री चैनल से अलग होता है और मिनिकॉय लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। ये मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ अच्छी तरीके से। तो चलिए अब पूरी अच्छी तरीके से देख लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। यहाँ से क्या क्या चीज है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है या जानकारी इसके बारे में रखना है। तो लक्षद्वीप जो है यह अरब सागर में स्थित है और केरल के पास में स्थित है। तो इसको मैं लिख देता हूं कि यह अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में स्थित है। इसकी राजधानी है कावारती, इसकी राजधानी है कावारती। यह जो है लक्षद्वीप यह मूंगा चट्टानों से बना हुआ है, यानी कि मूंगा जो होते हैं वह समुद्री जीव होते हैं, वह छोटे छोटे जीव होते हैं जो काफी मजबूत होते हैं। तो इसी के ऊपर में बसा हुआ है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप मूंगा चट्टानों से निर्मित द्वीप है। यह जो लक्षद्वीप है वह भारत का एक
केंद्र शासित प्रदेश है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। तो लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर आप लोग मैप में देख सकते हैं कि लक्षद्वीप का जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है वह है मिनिकॉय। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप यह है मिनिकॉय। और दोस्तों ये तो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि मालदीव के साथ में यह 8 डिग्री चैनल और लक्षद्वीप के साथ में मिनिकॉय जो है वो 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। तो यह लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप हो गया हमारा मिनिकॉय। अब दोस्तों लक्षद्वीप का जो है सबसे बड़ा द्वीप है वह कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा एंड्रोथ। तो पूरा लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह है एंड्रोथ। इसका सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ है। तो एंड्रोथ इस लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और दोस्तों यह जो है छोटे बड़े द्वीपों को मिला करके लक्षद्वीप द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर टोटल कितने छोटे बड़े द्वीप हैं, तो इसका उत्तर है हमारा 36, यानी कि 36 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर के हमारा लक्षद्वीप बना हुआ है। तो इसको भी मैं बता देता हूँ, लक्षद्वीप कुल 36 यानी कि 36 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। तो आप यहां से इसको आसानी से याद कर सकते हैं। यहां पर मैंने आपको पूरी जानकारी दे दिया है लक्षद्वीप के बारे में। यहां से जितना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, जो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में, तो आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है। तो चलिए फिर बात करते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह अंडमान जो ऊपर वाला हिस्सा होता है और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वह होता है निकोबार। और यह कहाँ स्थित है, तो यह है हमारा बंगाल की खाड़ी, यानी कि बे ऑफ बंगाल में यह हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये उत्तरी अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, उसके बाद होता है हमारा लिटिल या लघु अंडमान, फिर बाद में हमारा होता है कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निकोबार वाला द्वीप समूह अंडमान वाले द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल से अलग है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। साथ ही साथ लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में डंकन पास है, यह भी मैं आप लोगों को पिछली वीडियोज में बता चुका हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक चीज गौर कर सकते हैं आप लोग कि ये जो ऊपर जो हिस्सा है यह है हमारा कोको द्वीप, यह है हमारा कोको द्वीप समूह। और यह जो कोको द्वीप समूह है वह हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, यहां पर एक चैनल है, यह एक चैनल है यहां पर मान लेते हैं इसको, तो यह जो है हमारा कोको चैनल होता है, कोको चैनल। तो कोको द्वीप समूह जो है वह हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कोको चैनल के द्वारा अलग होता है, यानी इन दोनों के बीच में कोको चैनल स्थित है। और यह जो कोको द्वीप समूह है वह बर्मा के अंडर में आता है, बर्मा देश, यानी कि इसी को हम लोग म्यांमार कहते हैं। तो यह कोको द्वीप समूह पर बर्मा का अधिकार है। और दोस्तों यह जो कोको द्वीप समूह है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊपरी वाला जो द्वीप है उत्तरी अंडमान, इससे मात्र 20 किलोमीटर समुद्री दूरी पर स्थित है। तो यह चीज है ध्यान रखना है कि कोको द्वीप समूह
उत्तरी अंडमान या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह से मात्र 20 किलोमीटर समुद्री दूरी पर स्थित है। तो यह मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो कोको द्वीप समूह जिसमें किसका अधिकार है, बर्मा या म्यांमार, बर्मा या म्यांमार का अधिकार है। तो कोको द्वीप समूह उत्तरी अंडमान या अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कोको चैनल द्वारा, कोको चैनल द्वारा अलग होता है, अलग होता है। और यह जो है उत्तरी अंडमान से, उत्तरी अंडमान से मात्र 20 किलोमीटर समुद्री दूरी पर स्थित है। तो हो सकता है यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पूछ ले जाए। तो यहाँ पे कोको चैनल जो है वह इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ उत्तरी अंडमान से मात्र 20 किलोमीटर की समुद्री दूरी पर यह स्थित है, और इस पर किसका अधिकार है, तो इस पर अधिकार है हमारा बर्मा या म्यांमार का। अब हम लोग देखते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तो दोस्तों यह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आप लोग मैप में अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और यह कौन सा द्वीप में स्थित है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका था, वह है दक्षिणी अंडमान द्वीप में है। तो यह दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है, पिछली वीडियोज में आप लोग जाकर के देख सकते हैं दक्षिणी अंडमान में। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो कि दक्षिणी अंडमान में है। इसके अलावा अभी हम देखते हैं कि मध्य अंडमान जो है आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो मध्य अंडमान में, मध्य अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो यह भी ध्यान रखना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, सबसे बड़ा द्वीप समूह है। दोस्तों यह जो है हमारा निचला वाला हिस्सा होता है निकोबार, और उत्तरी वाला जो हिस्सा होता है वह होता है हमारा अंडमान। इस निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो इसका नाम है हमारा धुलियार, तो इसका नाम है हमारा धुलियार। ये आपको ध्यान रखना है कि निकोबार द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह का सबसे
ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी इसका नाम है धुलियार। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ऊंची चोटी जो है वह है धुलियार। यह कहाँ है? तो यह निकोबार द्वीप समूह में। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऊपरी वाला जो अंडमान वाला द्वीप है उसमें। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि नारकोंडम और बैरन द्वीप है। तो ये जो नारकोंडम है यह उत्तरी अंडमान का हिस्सा है या उत्तरी अंडमान के उत्तर पूर्वी वाले भाग में है। साथ ही साथ बैरन द्वीप जो है वह मध्य अंडमान के पूर्व साइड की ओर है और यहाँ पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो नारकोंडम द्वीप जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर सुसुप्त ज्वालामुखी पाया जाता है, यानी कि ऐसा ज्वालामुखी जो बहुत सालों से उद्गार नहीं हुआ या बहुत सालों से ज्वालामुखी नहीं फटा है। तो यह पाया जाता है हमारा नारकोंडम द्वीप में जहाँ पर सुसुप्त ज्वालामुखी पाया जाता है। साथ ही साथ बैरन द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी कह सकते हैं इसको आप। तो यह पाया जाता है हमारा बैरन द्वीप में और यह ज्वालामुखी जो है वह हमेशा आते रहता है, यानी कि ज्वालामुखी फटते रहता है, ज्वालामुखी का उद्गार होते रहता है। तो यह है बैरन द्वीप में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत का एकमात्र प्रसुप्त या जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कौन से द्वीप में पाया जाता है या कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बैरन द्वीप समूह में और जो सुसुप्त अवस्था में है वह नारकोंडम द्वीप में। तो आपको यह ध्यान रखना है। तो इसको भी मैं बता देता हूं कि उत्तरी अंडमान का जो भाग है नारकोंडम द्वीप, तो इसको मैं सीधे नारकोंडम लिख दे रहा हूं। नारकोंडम द्वीप में भारत का सुसुप्त ज्वालामुखी पाया जाता है। तो नारकोंडम द्वीप में हमारा सुसुप्त ज्वालामुखी और बैरन द्वीप समूह में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो ऐसा क्वेश्चन आता है। तो बैरन द्वीप समूह में भारत का एकमात्र सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी पाया जाता है। तो यहां ध्यान रखना है कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वह है बैरन द्वीप समूह में और नारकोंडम में है सुसुप्त ज्वालामुखी, जो कि दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पर निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी जो है वह धुलियार है, तो यह भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों उत्तरी अंडमान में ही यहाँ का सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है सैडल पीक, तो यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको भी मैं बता देता हूँ कि उत्तरी अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है सैडल पीक स्थित है। तो ये सैडल पीक जो है वह उत्तरी अंडमान में स्थित है, तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सैडल पीक कौन से द्वीप में या कौन से अंडमान में स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा अंडमान, उत्तरी अंडमान में। और दोस्तों यह जो है हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कुल 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर के बना है। छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि
टोटल छोटे बड़े द्वीपों को मिला करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है, और टोटल अगर कितना है तो वह है हमारा 572। तो आपको इतनी जानकारी का तो ध्यान रखना है जो मैंने आप लोगों को बता दिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, और साथ ही साथ लक्षद्वीप के बारे में ही, और कोको द्वीप समूह या कोको चैनल के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इतनी जानकारी को आप ध्यान में रखेंगे, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों।